कैथल की पास एरिया बोले जाने वाले गोविंद कॉलोनी में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। परिवार शिमला गया हुआ था, पीछे से चोरों ने मकान के ताले तोड़कर करीब 15 तोले सोना चांदी व 1 लाख से ज्यादा की नकदी चुरा ली। सुबह मकान मालिक पर किरायेदार का फोन आया तो वह स्तब्ध रह गया। सुबह से पुलिस जांच में जुटी है, सभी तरह के पहलुओं को देखा जा रहा है। मकान मालिक चोरी की घटना बताते बताते रो पड़ा। सुनिए क्या बताया वारदात को लेकर मकान मालिक ने। हाँ जी, क्या नाम? मेरा नाम ललित मित्तल है जी। और कौन सी कॉलोनी है, कैसे घटना? गोविंद कॉलोनी निवासी हूँ, पिछले तकरीबन 50 साल से इसी मकान में रह रहे हैं। कल हम किसी काम से किसी रिश्तेदारी में ना शिमला गए थे, अपनी बुआ से मिलने। कल सुबह तकरीबन 5 बजे जैसे जाते ही हैं रोज अपनी डेली रूटीन में कहीं भी, लेकिन आज सुबह 17 तारीख को 6:30 बजे मुझे मेरे किराएदार से, ऊपर किराए पे रहते हैं एक लड़का, उससे सूचना मिली कि आपके ताले टूटे हुए हैं। तो ताले टूटे, फिर घबराहट में, फिर पड़ोस भी आए, परिवारजन भी आए और मिलने वाले, तो देखा सारा घर में अच्छी चोरी हुई थी, सारा सामान बिखरा हुआ था अलमारियों में और चोरी अच्छे लेवल की चोरी है। टीम आ गई थी सुबह, पुलिस फॉरेंसिक टीम भी आ गई थी और मैं सुबह ही चल दिया था तकरीबन 8:30-8 बजे शिमला से। तो तकरीबन 1:30 बजे मैं पहुंचा हूँ तो देखा सारा घर में काफ़ी लंबी बड़ी चोरी है। शहर के बीचों बीच का एरिया है, पोश एरिया है, उससे गेट भी बंद हो जाते हैं रात को पूरे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी गलत काम है। क्या क्या सामान चोरी हुआ, मतलब कितनी नकदी और कितनी जेवरात चोरी है? तकरीबन ऊपर और नीचे का तकरीबन 1 लाख रुपए की नकदी है और तकरीबन 15 से 16 तोले, तो इतना एस्टीमेट है सोने का। चांदी भी है तकरीबन 15 से 20 के करीब का सोना है, चांदी है 1 किलो के करीब, 1.25 लाख रुपए नकदी है तकरीबन। आज का अगर एस्टीमेट लगाए जाए इस सोने के रेट का तो 10-15 के करीब की बनते हैं सामान। इसके अलावा भी कुछ सामान है? सामान और सब बिखरा जी, सामान बाकी कुछ नहीं छेड़ा उन्होंने, मतलब बिखरा गए हैं सारा सामान, कपड़े अलमारियां सारी खोल खोल के। तकरीबन ऐसा लगता है सबने जो देखा है कि 3 से 4 घंटे उन्होंने सारा ऑपरेशन करा है पूरे मकान में। हर कमरे का ऑपरेशन है, हर पूजा रूम तक का भी ऑपरेशन है, सब अलमारियों का ऑपरेशन, बच्चों के गुल्लक तक तोड़ के। तो सीसीटीवी भी मिली है आपने? अभी तक ऐसी मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पुलिस अभी आई थी। सीसीटीवी में देखा वो आपने चेक किया? नहीं, अभी मैंने अभी नहीं चेक किया। सारे कमरों का यही हाल है? सारे कमरों का यही, नहीं शक कुछ नहीं है जी। अभी पुलिस आ चुकी है, बयान लिख चुके हैं, रिपोर्ट जा चुकी है। अर्चना मित्तल जी, तो आप इनकी वाइफ? हाँ जी। तो जैसे जेवरात वगैरह क्या कुछ? लगभग 15 से 20 तोले सोना है, शादी का है, थोड़ा बहुत बाद में भी लिया है वो है, 1 किलो लगभग चांदी भी है, कैश भी था, मतलब 70-75 हज़ार रुपये हैं हमारे पास थे, वो सारा कुछ गायब हो रहा है। जैसे आप बाहर गए, किसी को बोलते गए थे? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं, हमारा एक्चुअली शाम को ही प्रोग्राम बना था पिछले दिन रात को 9 बजे कि हम ऐसे ऐसे चल जाना है, तो सुबह हम 5 बजे निकल गए। हालांकि किसी को बराबर में भी किसी को भी नहीं पता था कि हम जा रहे हैं। तो कितने लोग लगे हुए थे बाहर से? बाहर से एक्चुअली 2 लोग लगे, एक ये वाला गेट था और एक बाहर था, इस वाला कमरे में भी लोग लगाया हुआ था और एक बाहर लोग लगाया हुआ था, बस इतने ही 4 लोग लगे हुए थे। सारे टूटे हुए मिले? हाँ जी। सूचना कब मिली, किसने दी आपको? हाँ, सुबह ऊपर एंड पे लड़का रहता है, उसका फोन आया 6:30 बजे, ऐसे ऐसे आपका ताला टूट रहा है, उसने वीडियो कॉल करके दिखाया है, सारा फैला हुआ है, बस उसने। आने के बाद लड़के से बात हुई आपको? हाँ जी, आने के बाद हुई, तो साथी है वो जी। तो प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहोगे? बस आपके जरिए के थ्रू बस यही मेरी तो उम्मीद है कि मेरा सामान वापस आ जाए, बस जो भी मेरा चोरी हुआ है मेरा सामान मुझे मिल जाए, जो भी है अपने मेहनत से जोड़ा जाता है। काम क्या करते हैं? जो प्राइवेट सेक्टर। हाँ जी, क्या नाम? आशुतोष यादव। आप किराए पे रहते हैं? हाँ, किराए पे रहता हूँ। तो आपने देखा कि जैसे मैं सुबह 7 बजे यहाँ पर आया तो मैंने अंकल के पास चाबी थी यहाँ के घर की, वो चाबी ली और जब खोला तो बैग गिरी हुई थी। उसके बाद इधर मेरा ध्यान गया तो गेट खुले हुए थे, फिर मैंने बाहर आंटी को आवाज लगाई, फिर अंदर दिखवाया, सारा सामान फैला हुआ था। भैया को मकान मालिक जो है उनको फोन किया, फिर भैया ने फ्रेंड है इनके उनको फोन किया, फिर पुलिस वगैरह आई। रात को कोई नहीं था मकान में? आप भी नहीं थे? नहीं, मैं तो बाहर जा रहा था, मैं यूपी रहता हूँ। हाँ जी। तो कितने बजे आए थे? सुबह 7 बजे बताया। सुबह 7? हाँ जी। रात की घटना है ये? रात की होगी घटना जहाँ तक। आप कितने दिनों से गए हुए थे? मेरे को हफ्ता हो गया, बुधवार को गया था पिछले। आपका क्या कुछ सामान? मेरी अंगूठी थी और कुछ कैश गया।
अकेले रहते हैं परिवार के साथ? नहीं, अकेले रहता हूँ।